सर आपकी आवाज़ में बहुत ममरज कर रही है सर, कुछ हाँ आ रही है, नहीं आ रही है सर आवाज़ आ रही है सर, कुछ ब्रजल कर रही है, जैसे वो वायरिंग के टाइम भी नहीं होता है जो कर का आवाज़ आती है, वो आ रही है। सर जो पहले टीवी वी में नहीं आती थी, जब टीवी में वो चली जाती थी, वो आवाज़ आ रही है। अभी भी आ रही है सर, वो कॉन्स्टेंटली आ रही है एट द बैक। आप सर आ रही है सर, वो आप शायद ईयरफोन से एक बार डिसकनेक्ट करके कनेक्ट करिए शायद। मे बी आपका फोन चार्जिंग पे हो उसकी वजह से आने लगती है। हाँ नहीं नहीं हाँ सर वो उससे आती है, उससे भी आते हैं। चार्जिंग पे तो नहीं है, ये वायरिंग कनेक्शन से आ रही है और किसी चीज़ से नहीं आती, एक्स्ट्रा बस एक वायरिंग चीज कनेक्शन। रुक गई। आप हाँ सर अब नहीं आ रही, वो चली गई। हरियाणा सर आ रही है, सर वापस आ रही है। सर ईयरफोन्स में बग है सर, सर ईयरफोन्स का बग है, आप नहीं है। अब चली गई सर, अब चली गई, चली गई। आवा रही ना सही? यस सर। ठीक, अब सुनाई पड़ रहा है? यस सर। सुनाई पड़ रहा है सबको? हाँ सर। यस सर। वो क्लास सभी की चल गई थी टाइमली प्रीवियस? यस सर हो गई थी। यस सर। स्क्रीन शेयर हुई? नो सर। यस सर हो गई। यस सर हो गई। हो गई हाँ। स्क्रीन शेयर हो गई? यस सर। यस सर। नेक्स्ट टॉपिक देखिए सभी लोग, नेक्स्ट टॉपिक।
लिखिए कोडिंग, देख पा रहे हैं सभी लोग? यस सर। हाँ, सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज कोडिंग। तो कैन एनीवन टेल मी अबाउट द कोडिंग? कोई बताएगा कोडिंग क्या होता है? सर मेनली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिजाइन इनटू अ स्पेसिफिक कोड, जैसे वो सॉफ्टवेयर बन जाए और वर्किंग में ला सके। हाँ, और कोई? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। अगर मैं डिजाइन के टर्म में यानी बात करूं, कोडिंग एज द नेक्स्ट स्टेप, अगर मैं इस पर्सपेक्टिव में बात करूं, कोडिंग एज अ नेक्स्ट स्टेप ऑफ डिजाइन, तो कोई बताए? सर बताए, बताइए आदर्श। सर द कोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द डिजाइन ऑफ अ सिस्टम इनटू अ कंप्यूटर लैंग्वेज फॉर्मेट, या आप कह सकते हैं इसी को थोड़ा सा और क्लियर कर दे रहा हूं, कोडिंग इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिजाइन इनटू वर्किंग मॉड्यूल या मॉडल। इनफैक्ट यू कैन से दैट प्रैक्टिकल वर्किंग मॉडल, कोडिंग इज नथिंग बट द वर्किंग मॉडल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिजाइन। लिख लीजिए डेफिनेशन, ये मिलेगी नहीं आपको बुक में। ठीक है, कोडिंग इज, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। कोडिंग इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिजाइन इनटू वर्किंग मॉडल। मैंने इसको लास्ट पर्सपेक्टिव में इसीलिए बताया आपको, इनटू वर्किंग मॉडल। सर एक और बार सर प्लीज। अरे सर पेन बंद हो गया सर। कोडिंग इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वर्किंग मॉडल। ठीक, अब जब हम लोग कोडिंग की बात करते हैं तो देयर आर डिफरेंट गाइडलाइंस, देयर आर मैनी स्टेप्स टू मॉनिटर एंड कंट्रोल द कोडिंग बिफोर वी आर गोइंग टू डिस्कस, बिकॉज दीज टू स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वी आर गोइंग टू फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस अबाउट द कोड वॉक थ्रू एंड कोड इंस्पेक्शन। देखने में लग रहा है कोड वॉक थ्रू और कोड इंस्पेक्शन एक ही टर्म है या एक ही प्रोसीजर है, या हम कह सकते हैं कभी कभी कि सेम प्रोसीजर, कभी कभी हमें ऐसा भी लगता है कि ये हमारा सेम प्रोसीजर है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं। सो पहले हेडिंग डाल लीजिए कोड वॉक थ्रू, बहुत पूछा जाता है छोटे क्वेश्चन में, बहुत पूछा जाएगा। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप के भी क्वेश्चन बनेंगे तो इसमें भी कोड वॉक थ्रू और कोड इंस्पेक्शन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो कोड वॉक थ्रू इज अ फॉर्म ऑफ, हेडिंग डालिए और ये पहली डेफिनेशन जरूर लिख दीजिए, कोड वॉक थ्रू इज अ फॉर्म ऑफ पीयर रिव्यू इन विच अ प्रोग्रामर लीड्स द रिव्यू प्रोसेस एंड द अदर टीम मेंबर आस्क क्वेश्चंस एंड स्पॉट पॉसिबल एरर्स अगेंस्ट डेवलपमेंट स्टैंडर्ड्स एंड अदर इश्यूज। तो कोड वॉक थ्रू जो है वो क्या होता है, आपका इनफॉर्मल होता है। जैसे हमने, आप जब भी आप कभी अपना प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करते हैं, मैं एक एग्जांपल भी दे रहा हूं आपको, आप कभी अपना प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करते हैं और उसके बाद अपने कलीग को दिखाते हैं। ठीक, कलीग का मतलब उस कलीग की बात है या आपके किसी फ्रेंड की बात है हु इज नॉट एक्सपर्टाइज अबाउट दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट और कंटेंट। तो जब इस तरह की बात होती है, जब इस तरह का हमारा फॉर्मलाइजेशन होता है, तो इसको हम कहते हैं कोड वॉक थ्रू, मतलब रफ इनफॉर्मल। ठीक है, इसीलिए लिखा भी हुआ है।
डेफिनेशन भी यही लिखी हुई है कि जो यस तायल बहुत दिनों बाद क्लास ज्वाइन की तुमने यस तायल यस तायल चलो ये भाग ही गए इन्होंने सोचा कि इतना क्वेश्चन पूछेंगे तो जब हम इस पर्सपेक्टिव की बात करते हैं हाँ राज तो इसमें किस चीज का रिव्यू करते हैं कोड का या डिजाइन का तो ओनली कोडिंग नॉट डिजाइन यहाँ कहीं भी डिजाइन नहीं है अब कोडिंग की बात है जो इम्प्लीमेंटेशन आप कर रहे हैं इन द टर्म ऑफ प्रैक्टिकल फॉर्म की बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं तो जो ये इम्प्लीमेंटेशन है जो हमने कल आपको बताया था डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन तो डिजाइन का इम्प्लीमेंटेशन या इम्प्लीमेंटेशन को आप जब डिजाइन के फॉर्म में और फिर कोडिंग के फॉर्म में इम्प्लीमेंट करते हैं उस प्रोसीजर से हम अब आगे बढ़ रहे हैं यानी डिजाइन तो हो गया इम्प्लीमेंटेशन का रोल डिजाइन के साथ साथ भी है और उसके साथ भी है तो हम लिखते हैं मॉड्यूल या कोडिंग करते हैं प्रोग्रामिंग करते हैं तो इसलिए मैं इसको कह रहा हूं कि इनफॉर्मल है बिकॉज जो प्रोग्रामर है जिसने कोड लिखा है वही इसको रिव्यू कर रहा है देयर इज नो थर्ड पर्सन देयर इज नो इंडिविजुअल बॉडी और नथिंग अ टीम विच कॉन्स्टिट्यूट उसी में से या तो वो खुद प्रोग्रामर होगा या जो उस प्रोग्रामर की टीम का होगा कोई दूसरा पर्सन में भी देयर तो जब हमने प्रोग्रामिंग की है तो इट इज नॉट नेसेसरी कि मुझे अपनी गलती पता चल पाए ये बिल्कुल वैसे एग्जांपल है आप सभी लोगों ने फॉलो भी किया और फेस भी किया डेटा स्ट्रक्चर की जब लैब चल रही थी और आपको मैं प्रोग्राम पूरे पूरे हम लोग डिस्कस करके और आप टाइप कर पा रहे तो कोई सेमीकोलन की गलती बता रहा था कोई जो है कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाया था तो इसी बेसिस पर मैं कहता भी हूँ कि अगर आप पूरा पूरा सही प्रोग्राम लिख भी पाते हैं तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है बहुत बड़ा एक काम कर दिया है अगर आपको मेरे स्टेटमेंट याद होंगे कि अगर आप इस प्रोग्राम को रन करके आउटपुट सही निकाल लेते हैं यानी देख करके इसको टाइप करना है तो बहुत बड़ा काम कर दिया सो वॉक थ्रू इज लाइक दैट प्रोसेस ठीक है मतलब हमने इनफॉर्मल तरीके से कोड को विजिट करना एंड आल्सो कुछ लोग इसको भी इनफॉर्मल को भी बहुत अच्छे तरीके से लिखते हैं इसीलिए उसी बेसिस पे उसी कॉन्फिडेंस और ग्राउंड पे ही हम लोग बात कर रहे हैं spot possible errors against development standards and other issues. The meeting is usually led by the author of the document. I already told you, programmer ही main एक इसमें होता है. Author मतलब जिसने उस particular document को लिखा है या quote किया, उस page को quote किया. ठीक है? Under review and attended by other members of the team. Review sessions may be formal or informal. Generally informal ही होते हैं आप उसको formal भी कर सकते हैं मैंने आपको बताया ना कि अगर हम document को own कर रहे हैं और हम ही उसको लिख रहे हैं तो कभी कभी हम काम बहुत ईमानदारी से करते हैं बहुत efficiently काम कर रहे हैं तो जब हम efficiently काम कर रहे हैं यानी हमको output उसमें मिलेगा बट जनरली इसको इनफॉर्मल बोला जाता है ठीक है कहीं कहीं क्या करते हैं इसको फॉर्मल बोलते हैं और जो अभी इंस्पेक्शन की बात करेंगे उसको इनफॉर्मल बोलते हैं दीज आर द डिफरेंसेस इन इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ तो मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की ओनली बात कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हाउसेस की बात कर रहा हूँ प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ ठीक है लेकिन जनरली आप जब किताब में पढ़ेंगे या कॉन्सेप्ट इन माई पॉइंट ऑफ व्यू या जो हम लोग जिसको रेफर कर रहे हैं तो उसके हिसाब से इंस्पेक्शन इज मोर फॉर्मल एंड कोड वॉक थ्रू इज लेस फॉर्मल ठीक बिफोर द वॉक थ्रू मीटिंग द प्रिपरेशन बाय रिव्यूअर्स एंड देन अ रिव्यू रिपोर्ट विद अ लिस्ट ऑफ फाइंडिंग्स द स्क्राइब हु इज नॉट द ऑथर मार्क्स द मिनट ऑफ मीटिंग कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो मीटिंग के पॉइंट होते हैं और वो मिनट्स बनाते हैं यानी वो कुछ साइलेंट फीचर्स कुछ इंपॉर्टेंट एजेंडा पॉइंट्स
and note down all the defects issues so that it can be tracked to the closer. अंत तक जब तक कि हमारा ये कंप्लीट ना हो जाए तब तक उसको ट्रैक भी करते हैं यानी मॉनिटर्ड करते हैं. The main purpose of walkthrough is to enable learning about the content of the document. क्योंकि जो कोडिंग का डॉक्यूमेंट की बात हो रही है ध्यान रखिएगा और डॉक्यूमेंट नॉट कोडिंग इन द फॉर्म ऑफ लेआउट. क्योंकि कोडिंग तो हम क्या जान के करेंगे हमें मेन लेआउट से मतलब है. अगर लेआउट गड़बड़ है तब हम उस कोडिंग के कंटेंट्स को देखेंगे. तो उस डॉक्यूमेंट अंडर रिव्यू टू हेल्प टीम मेंबर्स गेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंटेंट टू द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट and also find defects. So this is process of code walkthrough. Next come to the code inspection. अभी मैं इस पे आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और आप क्या व्यूज भी लेंगे. ठीक प्रकाश इतनी लेट से क्यों ज्वाइन किया बेटे. जरा मैं एक दो लोगों से पहले बात नहीं कर लेता हूँ. आकर्ष ऋतिक प्रकाश जी सर क्यों लेट से ज्वाइन किया है सर. वही क्लास में थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे सर. कौन सी है सर. क्यों इसके पहले वाली क्लास नहीं की थी क्या. नो सर. सर तभी इसी वजह सर. आकर्ष आपको क्या दिक्कत है सर. पता नहीं सर दो तीन दिन से सर इसमें हो रही दिक्कत कुछ पता नहीं. युका मीटिंग लिख के आ जाता है जब भी ज्वाइन करते हैं. नहीं तो ये दिक्कत हमेशा ऐसा क्यों होता है कि जब आपकी क्लास खत्म होने वाली होती है जब हम लोग की क्लास या तो आधे घंटे चलने वाली होती है तभी ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है सर. इसी में होता है. जूम में तो मैं टाइमली पहुंच जाता हूँ इसमें ही हो जाता है सर पता नहीं क्यों. और आप ही के साथ हो रहा है लगातार. ये सर दो तीन क्लास से हो रहा है बाकी पहले नहीं होता था सर. पहले तो टाइम लिया जाते थे आते इसमें भी नहीं कनेक्ट. इसको रिमूव करो. आखिर कनेक्ट हो जा रहा है तो पहले से ही कनेक्ट करके ध्यान रखो. ठीक है यस सर Now come to the code inspection. Heading डाल लीजिए code inspection. देखिए जो भी मैं बार बार इस चीज को कहता हूँ हर लेक्चर में कह रहा हूँ headings जरूर कॉपी में होनी चाहिए. Heading डालिए और उसके definitions के कुछ points लिखे होने चाहिए. I am not saying कि आप पूरा पूरा कॉपी कर लीजिए लेकिन at least इस पर जो हमारा लेक्चर हो रहा है इस लेक्चर का ये मेन पॉइंट है और इसके ये थोड़ी सी समरी हमने लिखी और बाद में डिटेल के लिए हम ऑलरेडी आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे और साथ ही साथ आप वीडियो भी देखेंगे. और लोग बहुत सारे लोग वीडियो देख नहीं रहे. मेरे पास किसी के व्यूज का ऑप्शन आ नहीं रहा है दिख नहीं रहा है मुझे. मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये सब इंटरनल में मैटर करेगा. बाद में कोई ये ना कहे कि नहीं सर हमने ये एक्टिविटी करके दी थी हमने असाइनमेंट किया था हमने क्विज दी थी. लेकिन ये सब भी छूट ना जाए ये सभी लोग ध्यान रखिए. सो heading डालिए code inspection. Code inspection is the most formal type of review which is kind of static testing to avoid the defect multiplication at later stage. तो inspection का मतलब throughout inspection. यानी वहां पे inspection you can say that walkthrough is you can say that a positive approach. Means जो हमारा mindset होता है वो positive होता है लेकिन inspection जो होता है उसकी स्प्रिट होती है वो टोटली आप कह सकते हैं निगेटिव. आप समझ लीजिए इंस्पेक्शन का मतलब हो गया कि टोटली निगेटिव. यानी निगेटिव का मतलब कि हमें सिर्फ ये देखना है कि काम सही हो रहा है
हमें कमियां ही देखनी है, ठीक है। वहां पे होता है हम पॉजिटिव भी देख रहे हैं और हमें कमियां भी देखनी है, लेकिन यहाँ पे हमारा मेन पॉइंट होता है कमियां ही देखनी है और उनको हमें रिमूव करना है। अच्छी बात है आपने पॉजिटिव कर दिया, उसके बाद प्रेस कर दिया उसको एट पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम और पॉइंट, लेकिन यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है और उनकी जब तक आप कमी नहीं बताएंगे एज अ गुड इंस्पेक्टर तब तक चीजें नॉर्मलाइज नहीं होगी, सही नहीं। तो ये थोड़ा सा मैं आपको बेसिक डिफरेंस बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो देयर आर मेनियस एंड वेरियस पॉइंट्स ऑफ कोड इंस्पेक्शन। द मेन पर्पस ऑफ कोड इंस्पेक्शन इज टू फाइंड डिफेक्ट्स एंड इट कैन आल्सो स्पॉट एनी प्रोसेस इंप्रूवमेंट इफ एनी, ठीक। ये साथ साथ आपको थोड़ा सा नोट डाउन करके और डिटेल में बताएंगे। एन इंस्पेक्शन रिपोर्ट लिस्ट द फाइंडिंग्स जो भी उनको मिला, विच इंक्लूड मैट्रिक्स, तीन तरह की मैट्रिक्स होती है किसी भी सॉफ्टवेयर को जज करने के लिए। आपको मैट्रिक यानी एक वो पैमाना या एक जो है आपको स्केल, स्केल का मतलब कोई भी मैट्रिक या कोई भी एक पैमाना बना के रखेंगे जिसके थ्रू आप मेजर कर पाए। और कितने टाइप की मैट्रिक्स होती है आशीष गुप्ता? यस सर। आशीष गुप्ता कितने टाइप की मैट्रिक्स होती है? आवाज नहीं आ रही है आशीष गुप्ता? लवप्रीत? यस सर, यस सर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स? सर थ्री टाइप्स। नाम बताइए, नाम बताइए। सर सोर्स कोड, डेवलपमेंट और टेस्टिंग। ये नहीं होता, गलत जगह देख लिया। लवप्रीत? यस सर। बताइए। पढ़ ही नहीं रहे, नेट पे खोलोगे यही मिलेगा, पढ़ ही नहीं रहे हो। अनुपम सिंह? अनुपम सिंह? यस सर। हाँ बताइए कितने टाइप की मैट्रिक होती है? सर प्रोडक्ट और प्रोसेस। और तीसरी प्रोजेक्ट? यस सर, तीसरी प्रोजेक्ट सर। इसीलिए कह रहा हूँ कॉपी में लिख लो, नहीं तो अंजलि दिखेगा नहीं कुछ भी। कॉपी खोलोगी तो दिखेगा, कॉपी नहीं खोलोगी नहीं दिखेगा। यस सर, कॉपी ओपन करे हैं। हाँ कशिश, नाम कशिश का लेना था तुम्हारा, ले लिया अंजलि। कशिश से कह रहा हूँ कॉपी नहीं खोलेंगी तो नहीं दिखेगा। समझ रही है? Yes, sir. जो मैट्रिक की बात करते हैं, थ्री टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आर देयर, प्रोजेक्ट प्रोसेस एंड प्रोडक्ट, ठीक है। प्रिपरेशन बिफोर द मीटिंग इज एसेंशियल। जब भी हम इंस्पेक्शन के लिए जाएंगे तो हमको ये पहले से ध्यान रखना है कि हमारे एजेंडा क्या होंगे, किन पॉइंट पे हम इंस्पेक्ट करने जा रहे हैं, क्या इंस्पेक्शन हम एक्चुअली करने जा रहे हैं। Which includes reading of any source document to ensure consistency. To ensure consistency. Inspections are often led by a trained moderator who is not the author of the code. Means trained moderator का मतलब क्या? कोई moderator बताएगा? Literal meaning किसी को moderator भी बताता है? सर कोई भी चीज को सर मतलब एक तरह से सर मतलब ओवरसी करना सर, मॉडरेट करना कोई चीज को, मॉडरेटर का काम होता है आसान भाषा में। सर गाइड, गाइड और तो जो कंट्रोल करता हो, जो लीड करता हो। देखिए मॉडरेटर में ये सारी प्रॉपर्टीज होती है,
कंट्रोल भी है, गाइड भी है, कुल मिलाकर के जिसको फुल नॉलेज हो, होल सोल इंचार्ज, या इसको हम कह सकते हैं लीडर टाइप का पर्सन. ऑल कैपेसिटीज मस्ट बी केप्ट विद देम, देन ओनली ही विल लीड द इंस्पेक्शन टीम. ठीक है, और अपने टर्म्स में गलती मिली मुझे, ये इसको मैंने अपने टर्म्स में एज वेल एज प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, यानी अगर ये कोई एरर आ रही है तो ये एरर मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मुझे ये डिजाइनर को किस टर्म में बतानी है और मुझे ये प्रोग्रामर को किस टर्म में बतानी है, ये सिर्फ मुझे ही पता है. तो मॉडरेटर का मतलब ये होगा कि मुझे मॉडरेट करना, मुझे डिजाइनर को उसकी टर्मिनोलॉजी में इसको एक्सप्लेन करना है कि ये देखिए ये इसकी वजह से यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ये मॉड्यूल में दिक्कत आ रही है, ये फेज नहीं बना है, यहाँ डीएफडी में कुछ गड़बड़ है, यहाँ इसका ये वाला डायग्राम नहीं बना है, कोलैबोरेशन डायग्राम में दिक्कत आ रही है, क्लास डायग्राम, और प्रोग्रामर को यहाँ पे हमको उसकी प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से समझाना है कि ये देखिए तुम्हारा ये ऑब्जेक्ट सही नहीं काम कर रहा है, ब्रेसेस की गलती है, कहीं सेमीकोलन की गलती है, ये तो मैं छोटे छोटे एरर बता रहा हूँ, या कॉलिंग में कहीं दिक्कत है, आर्गुमेंट पासिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है. ये एक गुड टेक्निकल लीडर ऑफ द इंस्पेक्शन टीम, ये गुड साइन है सारे, इसको हम लोग कहते हैं अ ट्रेन्ड मॉडरेटर हु इज नॉट द ऑथर ऑफ द कोड. मैंने फिर से बताया वो कोड उसने नहीं लिखा होना चाहिए, तो वो ट्रेन्ड मॉनिटर जिसका ये सब काम है, जिसके पास इतने लेवल की नॉलेज है, वो फिर कोड तो नहीं लिखेगा, अगर वो कोड लिखेगा तो बहुत ज्यादा दिक्कत भी नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी. हम अमूमन ये बात करते हैं कि डॉक्टर्स बीमार नहीं पड़ते हैं, ये सभी के पास है, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है. डॉक्टर अपना इलाज जब उनको लगता है कि फायदा नहीं हो रहा है तो वो किसी और डॉक्टर से भी हेल्प लेते हैं और सजेशन लेते हैं. कोई भी पर्सन केपेबल नहीं है, हमारी नॉलेज का भी कहीं ना कहीं एक लिमिटेड एरिया होगा, उसको ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देयर इज नो हार्म नो शेम टू टेक एडवाइस फ्रॉम अदर या समटाइम वी से दैट आउटसाइडर्स. ठीक, द इंस्पेक्शन प्रोसेस इज द मोस्ट फॉर्मल टाइप ऑफ रिव्यू बेस्ड ऑन रूल्स एंड चेकलिस्ट एंड मेक्स यूज ऑफ एंट्री एंड एग्जिट क्राइटेरिया. तो ड्यूरिंग रिव्यू ऑफ रिक्वायरमेंट आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द एंट्री एंड एग्जिट क्राइटेरिया. एंट्री क्राइटेरिया मतलब कहां से मुझे शुरुआत करनी है और एग्जिट क्राइटेरिया कंक्लूड कहां पे करना है. एक ग्रेसफुल मेथड से हम उसको कंक्लूड करके वहां से एग्जिट कर जाएं. एक ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल है. बात समझ में आ रही सभी को? आफ्टर द मीट इट यूजुअली involves peer examination of the code and each one has a defined set of rules. एक यहाँ पे टर्म आया दो बार peer, तो ये सभी लोग फेमिलियर है इससे? कोई बताए अगर फेमिलियर है तो, कोई किसी ने इस टर्म के बारे में पूछा नहीं. peer means जैसे कि हमारे क्लासमेट या जो साथ साथ में काम करते हैं बट अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे Definitely. कि कोडिंग टीम. peer का मतलब होता है, peer का मतलब होता है node, node का मतलब पर्टिकुलर सिस्टम, पर्टिकुलर पर्सन, यानी हर पॉइंट को हमें एग्जामिन करना है. जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर अपनी लैब की बात करें और हमें चेक करना है कि हमारे यहाँ नेटवर्क सही से चल रहा है, हर सिस्टम पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो पीयर एग्जामिनेशन का मतलब मुझे हर नोड को एग्जामिन करना पड़ेगा. सिर्फ ये नहीं कि अगर हमने सीरियली सबको कनेक्ट कर दिया है तो अगर इधर तक आ रहा है तो उधर तक भी जाएगा, ये कोई करंट वाला नहीं है. हो सकता है उसकी टेक्निकल प्रॉब्लम कुछ और हो, वहाँ पे आईपी कुछ कॉन्फ्लिक्ट कर रही हो, वहाँ पे जो है कनेक्शन में प्रॉब्लम हो रही हो, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन में दिक्कत हो रही हो, प्रॉपर्टीज मैच ना कर रही हो. तो पीयर एग्जामिनेशन का मतलब ईच एंड एवरी नोड शुड बी एग्जामिन. सो इन द पॉइंट ऑफ इंस्पेक्शन की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे भी वही टर्म है कि हर ईच एंड एवरी नोड पर्सनेल विच इज डायरेक्टली इन्वॉल्व must be examined.
एंड ईच वन हैज डिफाइंड सेट ऑफ रोल्स, और सभी के रोल्स भी होंगे डेफिनेटली. After the meeting, a formal follow-up process is used to ensure that corrective action is completed in a timely manner. ये नहीं कि हमने बता दिया, सब कुछ कर दिया, रिपोर्ट लगा दी, लेकिन उसके बाद हमें फॉलोअप भी करना है, एक टाइमली मैनर में उनको करेक्ट भी करना है और इम्प्लीमेंट भी कराना है. ठीक है, ये अभी टेस्टिंग का पार्ट नहीं है, बहुत अच्छे समझिएगा. There is slight difference between code walkthrough, code inspection और टेस्टिंग. कोड वॉक थ्रू किसी भी थर्ड पार्टी से नहीं होता, थर्ड पार्टी मतलब आउटसाइडर. टेस्टिंग थर्ड पार्टी से ही कराना बेनिफिशियल रहता है. ये अलग हो सकता है कि कोई कंपनीज अपने सिक्स सिग्मा या सीएमएम के रूल्स को ना फॉलो करें, उनकी गाइडलाइन को ना माने, तो वो सब कुछ इंटरनली कर दें, वो एक अलग बात है, लेकिन सबके साथ ये अप्लीकेबल नहीं. तो जो कोड वॉक थ्रू इंस्पेक्शन है वो विद इन डेवलपमेंट टीम के थ्रू ही होता है, एक्सपर्टीज होते हैं उसमें उसके, ठीक है. लेकिन जो टेस्टिंग होता है वो प्योरली थर्ड पार्टी प्रोसीजर है, और ये मैं आपको डिस्कस भी करूंगा जब टेस्टिंग पढ़ाऊंगा डिटेल, तब मैं आपको ये पहले ही समझा दूंगा कि टेस्टिंग ये होता है. नाउ रीड ऑल द पॉइंट केयरफुली and ask if any query arises in these two terms, particular these particular two terms, क्योंकि बहुत important है ये, और दोनों में difference बहुत पूछा जाता है. अभी जब objective question के भी, मान लीजिए हम कोई question पूछने हैं objective type के, तब भी ये बहुत पूछा जाएगा, बहुत effectively पूछा जाएगा, इस पे बहुत सारे questions बनेंगे. फिर से ऊपर से बता दे रहा हूँ, please read it and have a look. इसके पहले तो साइलेंट फीचर्स लिख लीजिए, पॉइंट लिख लीजिए. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पूरा पूरा एकदम छाप दीजिए, एज इट इज कर सकते हैं, वो एक अलग बात है, वो आपकी अपनी कैपेसिटी पे है, कोड कैपेसिटी. बट साइलेंट फीचर्स पढ़ लीजिए, कैप्चर कर लीजिए और कुछ पॉइंट्स वाइज लिख लीजिए, ठीक है. नरेशन में समरी लिखना चाहते हैं, समरी लिख लीजिए. एंड आस्क कोई भी सर, ये फॉर सर फॉर्मल और इनफॉर्मल रिव्यू सेशन वाले को आप एक्सप्लेन कर दीजिए. रिव्यू सेशन में सर फॉर्मल तो चलिए वो सर इनफॉर्मल समझ में आ रहा है, सर फॉर्मल सर कैसे होगा ये समझ नहीं आ रहा. फॉर्मल का मतलब ये हुआ कि जैसे इनफॉर्मल में हम उस पर्टिकुलर पर्सन को भी लेकर के आएंगे जिसने प्रोग्रामिंग के लिए, उसमें सीरियसनेस नहीं होती है, समझ रहे हैं. ये बिल्कुल वैसे ही है मधुर सिंह की, मैं आपको सीधे एग्जाम्पल दूंगा प्रैक्टिकल, जो कि आपने रियली इसको फेस किया है, कि जब आपने डेटा स्ट्रक्चर में सिंगली लिंक्ड लिस्ट का प्रोग्राम लिखा और एरर आ रही, मैंने कहा मधुर सिंह देख लो, अब तुमने क्योंकि टाइप प्रोग्राम है, डिस्कस्ड प्रोग्राम है, रन ऑलरेडी हमने आपको इसको रन करा के दिखा दिया है क्लास में, लेकिन फिर भी एरर आ रही है. हमने कहा मधुर सिंह इसको देख लो, अब आपने देखा लेकिन एरर आप दूर नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पता. यानी मुझे ये नहीं पता है एज ए प्रोग्रामर, एज कोड राइटर, कि मैं सेमी कोलन की भी गलती कर सकता हूँ या सेमी कोलन की गलती मुझसे भी हो सकती है, सिर्फ इसीलिए मैं एरर दूर नहीं कर पा रहा हूँ, या लिखते समय मैंने कहीं स्पेस दे दिया, ठीक है, प्रिंट एफ की जगह मैंने सिर्फ प्रिंट लिख दिया, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं ये गलती नहीं कर रहा हूँ, तो ये माना जाता है. और आपने अपने ही जैसे किसी पर्सन को जिसकी अपनी खुद कोडिंग बहुत अच्छी नहीं है दिखाया, और उसने भी बस एक अपना टाइम पास करने के लिए या सीरियस नहीं है या नॉलेज की कमी या कोई भी पॉइंट दे सकते हैं, नहीं देखा, देन दिस इज नोन एज कोड वॉक. इंस्पेक्शन की बात है, यानी आप मेरे पास आए, अब मेरे पास आए तो मैं क्या करूंगा, मुझे तो गलती ही वो ढूंढनी है, मुझे तो वो गलती पढ़नी है. मैं बताता नहीं हूँ कि नहीं देखो ऐसा हो सकता है, कर्ली ब्रेसेस का मतलब ये नहीं है कि कर्ली ब्रेस गलती आ रही है, कि ये इस पर्टिकुलर लाइन पे ही आ रही हो सकता है, इसके पहले तुमने कोई दिक्कत कर दी हो सकता है, तुमने ये वाला जो है जो कॉलिंग और जो आपका डेफिनेशन में फंक्शन का नाम है वो गलत लिख दिया हो, चेंज कर दिया हो, ठीक है भाई, वहां पे ऐड आफ्टर लिखा था, यहाँ पे सीधे ऐड लिख दिया, चेंज कर दिया हो,
तो इंस्पेक्शन का मतलब फॉर्मल तरीके से एक्सेप्ट द प्रोग्रामर जिसने कोड लिखा हो, ये देखिए इसमें क्लियर लिखा हुआ है, वो इसमें नहीं होगा इन्वॉल्व, वो रहेगा क्योंकि उसको गलती पता होगी, उसको जानना ही चाहिए, वो स्कीम का हिस्सा हो सकता है लेकिन वो इंस्पेक्ट नहीं करेगा, लेकिन कोड वॉक थ्रू में वो अपने इनपुट भी दे सकता है, उस टीम का वो हिस्सा भी हो सकता है और एक्टिव रोल भी प्ले कर सकता है। बात समझ में आ रही है? ये है फॉर्मल और इनफॉर्मल, दिस इज बेसिक कोड वॉक थ्रू एंड कोड इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का मतलब यही है ना, मैंने आपको बताया कि हम आपका न्यूट्रली इंस्पेक्शन कर रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप क्वेश्चन लिखते हैं, क्विज लिखते हैं, तो कहीं से भी आपने हेल्प भी ली हो, कहीं से कुछ भी किया हो, पढ़ा है तभी आपने लिखा है, मैं तो ऐसा मान के चल रहा हूँ, लेकिन अब हम उसको चेक करने जा रहे हैं। तो आप जब लिखते हैं फिर उसको रिवाइज करते हैं, फिर एक बार आप अपने उसमें की पूरा डॉक्यूमेंट हम चेक कर लेते हैं, लर्न करके ही लिखा है, समझ करके ही लिखा है, तो गलती नहीं है। लेकिन हम जब करेंगे तो हम अपने पर्सपेक्टिव से, हम उस डॉक्यूमेंट के ओनर नहीं है, राइटर नहीं है, तो हमारा काम है वहां गलती ही निकालना, इवैल्यूएट, एक्चुअल इवैल्यूएशन करना। बात समझ में आई मधुर? यस सर। फॉर्मल ये, इसीलिए आप देखते होंगे कि आप जो हमारा इवैल्यूएशन है और आपका अपना इवैल्यूएशन है उसमें डिफरेंस आता है, और कभी कभी बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है, वो फॉर्मल और इनफॉर्मल की ही बात होती है। भाई हम भी हैं इवैल्यूएटर, आप भी अपने इवैल्यूएटर हैं, आपसे अच्छे तो हम नहीं हो सकते हैं, बस हम तब अच्छे हो जाते हैं जब हम न्यूट्रली इवैल्यूएशन शुरू करते हैं। वो कुछ लोगों को समझ में आता है, कुछ लोगों को पॉजिटिव लगता है, कुछ लोगों को पॉजिटिव नहीं लगता, उनको समझ में नहीं आता। अगर वो भी इसी तरह से न्यूट्रली इवैल्यूएट करें और एक्चुअल में अपनी गलतियों को फाइंड आउट करें तो कभी भी प्रॉब्लम होगी ही नहीं, इतना फर्क है फॉर्मल और इनफॉर्मल में। समझ रहे हैं? जो अच्छे बच्चे हैं, जो आज भी अच्छे बच्चे हैं, जो उनको हम लोग कहते हैं वाकई अच्छे बच्चे हैं, वो आज भी जब क्लास करते हैं तो वो प्रॉपर एक डेकोरम में बैठ करके कॉपी पेन ले करके टाइमली ज्वाइन करके यूनिफॉर्म भी पहन लेते हैं, जिससे कि उनको ये फील हो, एक एनवायरमेंट हो कि मैं क्लास में ही बैठ करके कॉलेज में ही क्लास कर रहा हूँ। उन्होंने अपने घर पे भी कह दिया होता है कि ये मेरी ये क्लास है, आज के दिन मेरा ये टाइम टेबल है, डोंट डिस्टर्ब मी। जैसे आप कॉमन एग्जाम्पल देखिए, आपके यहाँ फैकल्टीज पढ़ाते हैं, हम लोग पढ़ाते हैं, मुझे नहीं लगता कि हमारी कोई भी क्लास को मैंने कभी कैजुअल पढ़ाया हो, प्रॉपर आपके साथ आया, टाइम पे शुरू की, टाइम पे खत्म की, फॉर्मली है। मैंने हमेशा ये इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश की कि हम और आप फिजिकली एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं, किसी भी तरह से। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे अभी कुछ भी काम कर रहे होंगे, कोई और दूसरे काम में इंगेज होंगे, कान में ईयरफोन लगा करके कैमरा ऑफ करके अपना आराम से कुछ भी दूसरे बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, कॉपी पेन है नहीं उनके पास, ठीक। तो इसको इनफॉर्मल कहते हैं, काम वो भी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो समझ रहे हैं, उनके पास नोटिफिकेशन भी जाता है लेकिन वो वीडियो वॉच नहीं कर रहे हैं। दीज आर नोन एज इनफॉर्मल स्टडी। और फॉर्मल का मतलब दिखती, मैंने बात बताई, सब कुछ तो मैं कर रहा हूँ डेली, मैं कोई भी ऐसा टास्क नहीं, अब मैं अपना ही एग्जाम्पल दूंगा, मैं बाकी मुझे नहीं पता दूसरे का, कि कोई भी ऐसा टास्क नहीं है जो कि टाइमली होना चाहिए और वो नहीं हो पा रहा है, ऐसा कोई भी टास्क मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, मेरे एंड से नहीं है, ना मुझे ये कहीं से ऐसा लगता है। बाकी मैं आपसे सजेशंस और इनपुट तो हमेशा लेता रहता हूँ और बेस्ट करने के लिए। बात समझ में आ रही मधु? फॉर्मल और इनफॉर्मल, अब इससे ज्यादा मैं नहीं बता सकता मधु। यस सर। हाँ, अभी इतना मैंने बता दिया, बहुत लोगों को तो समझ ही नहीं आया होगा कि सर क्या बात है, कहाँ पहुंच गए, क्योंकि हम एग्जाम्पल जो देंगे वो डायरेक्टली आपसे रिलेट होगा, वो आप उससे कहीं ना कहीं अवेयर होंगे और आपको वो रिफ्लेक्ट करेगा। एग्जाम्पल हमारा लगभग वैसे ही होगा सारा। नाउ कम टू द अवर नेक्स्ट टॉपिक। ये सभी ने कर लिया, पढ़ लिया, इसमें कोई क्वेरी तो नहीं है किसी की? एक मधुर ने क्वेरी अपनी जनरेट की। सर एंट्री एग्जिट क्राइटेरिया बता दीजिए। एंट्री एंड एग्जिट का मतलब जब भी हम इंस्पेक्शन करने जाएं,
तो हमें ये ना हो कि हम कहीं भी मिड में कि भाई ये वाला फॉर्म खोलो, अच्छा ये फोर्थ वाला फॉर्म खोलो, अच्छा ये वेबसाइट का लुक कैसा लग रहा है, नहीं, एक प्रॉपर बना के रखेंगे पॉइंट्स कि हमें शुरुआत इनिशिएट कहाँ से करनी है, कहाँ तक जाना है और उसके बाद कहाँ पे खत्म करना है, समझ रहे हैं? जिस तरह से हम लोग लेक्चर प्लान करते हैं कि उसका इंट्रोडक्शन देना है, फिर उसका थीम बतानी है, स्प्रिट बतानी है, फिर वर्किंग बतानी है, फिर लास्ट में उसको कंक्लूड करना है, यहाँ पे भी वही है, एंट्री और एग्जिट क्राइटेरिया, और ये डिफाइंड नहीं होता है, ये कोई मतलब ये टेम्पलेट नहीं है, ये हमेशा तय होता है, एग्रीड पॉइंट होते हैं, एजेंडाज होते हैं टीम लीडर और टीम मेंबर्स के बीच में, एक्सपर्टीज, नॉट ऑल टीम मेंबर्स, एक्सपर्टीज जो उस एरिया के होते हैं कि हमको ये करना है, और ये बाद में एक फिक्स फॉर्मेट बन जाता है उस कंपनी का अपना इंटरनल, ये जनरल टेम्पलेट नहीं, ठीक है? जैसे आप बहुत अच्छे से एग्जांपल अगर आपने बात की तो मैं आपसे बता ही दे रहा हूँ कि जब हम लोग कोई भी क्वेश्चन पेपर भी आप इतने दिनों से पढ़ते चले आ रहे हैं, करते चले आ रहे हैं, सॉल्व भी करते जा रहे हैं, एग्जामिनेशन जो अपने आप ने किया होगा, शुरुआत में हम लोग क्या करते हैं, पहले आपसे नाम और ये सब एक कॉपी में फिल कराते हैं, वो रिक्वायरमेंट भी है और आपको लाइट मोड से हैवी मोड में ट्रांसफर करने का एक तरीका भी है, फिर छोटे छोटे क्वेश्चंस पहले पूछते हैं, 3 नंबर के 2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन और फिर लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, कहीं कहीं तो और भी इसमें होता है, शॉर्ट फिर थोड़ा उससे बड़ा और फिर उसके बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन, इंटरव्यू में भी पहले आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन, फिर इंट्रोडक्शन के बाद आपकी हॉबी, इन सब पे बात करते करते फिर मेन पॉइंट में आते हैं और मेन पॉइंट की डेप्थ बढ़ती चली जाती है एज पर योर रिस्पॉन्स, कहीं कहीं ऐसा होता है कि एकदम एक दो क्वेश्चन के बाद ही, जहां से हमने शॉर्ट शुरू किया और शॉर्ट के बाद थोड़ा सा हम उससे लॉन्ग पे पहुंचे, नॉट टू मच लॉन्ग, तो वहीं से मुझे लग रहा है कि अब इंटरव्यू खत्म करने की बात आ गई, जरूरत आ गई है कि इनका नॉलेज दे भी, और कहीं कहीं हमें और डीप में जाना पड़ता है, और डीप में जाना पड़ता है, और डीप में जाना पड़ता है, सो दिस डिपेंड अपॉन टू द एज कंपेयर इंटरव्यू पर्सन टू पर्सन और एज कंपेरिजन टू कस्टमर और द केस और द कोडिंग, ये उस पर डिपेंड करता है, और ये हम पहले से एक बार पढ़ लिए होते हैं, इंस्पेक्ट कर लिए होते हैं, हमें उसके बारे में एक कॉपी दी जाती है कि ये है, तब हम उस पर ये अपना एंट्री और एग्जिट क्राइटेरिया बनाते हैं, एजेंडा सेट करते हैं। श्रुति यस सर, सो बेसिकली एक सिस्टमैटिक मैनर में सब चीज होती है, डेफिनेटली एक सिस्टमैटिक वे में, एक सिस्टमैटिक वे की बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बार बार एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि हम आपको पढ़ा रहे हैं लेकिन आपके अटेंडेंस भी मेंटेन कर रहे हैं, हमने टाइम टेबल भी बनाया हुआ है, ठीक है, पूरा लंच का सबका टाइम बना के रखा हुआ है, फैकल्टीज हैं, अपने अटेंडेंस भी सब कुछ फीड कर रहे हैं, सब आपको मॉड्यूल्स वगैरह प्रोवाइड किए जा रहे हैं, लेक्चर आते हैं, लेक्चर आपके अपलोड किए, सब तो सिस्टम में काम कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए आपके बहुत सारे फ्रेंड अदर स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, तो आप देखिए क्या क्या इस तरह से हो रहा है, सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम लोग सारे सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, कुल मिलाकर ये नेक्स्ट कम टू द डिफरेंस बिटवीन, बहुत पूछा जाता है इंस्पेक्शन एंड वॉक थ्रू, थोड़ा सा है, वॉक थ्रू इज अ मेथड ऑफ कंडक्टिंग इनफॉर्मल ग्रुप इंडिविजुअल रिव्यू, इन अ वॉक थ्रू ऑथर डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन वर्क प्रोडक्ट इन अ इनफॉर्मल मीटिंग टू हिज पीयर्स और सुपरवाइजर्स टू गेट फीडबैक, while you are comparing with inspection, and inspection is defined as formal, rigorous, in-depth group review design to identify problem as close to their points of origin as possible. तो ये आप देख रहे हैं एक लाइन में आपको ये पता चलिए, चाहे तो आप इसका एक नोट आउट कर लीजिए, मैंने इसलिए वो इम्पोर्टेंट पॉइंट वो डेफिनेशन लिखी है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि इसको हाईलाइट कर देने, जितना भी हम लोग ने अब डिस्कशन किया ओवरऑल इसका ये समरी है, इन ब्रीफ, समझ रहे हैं, इन ब्रीफ ये हमारी समरी है, और उसके बाद फिर इसको आप डिटेल में अपने पॉइंट में लिखना शुरू करिए, तो ये दोनों डेफिनेशन पढ़ने के बाद आई थिंक देयर इज नो डाउट अबाउट द वॉक थ्रू एंड इंस्पेक्शन, अभी भी किसी के पास डाउट है? नो
and this is the basic difference. There are another differences. ठीक है, वो मैं आपको नोट्स के फॉर्म में बता दे रहा हूँ. जैसे एक इंस्पेक्शन टीम में क्या होते हैं, 3 to 8 मेंबर्स. लास्ट में आप देखिए जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ लाइन, आप देख पा रहे हैं? Yes sir. हाँ, 3 to 8 मेंबर्स होते हैं who plays roles of moderator, author, reader, recorder and inspector. लेकिन वॉक थ्रू में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है, एक ही पर्सन ये सारे काम करता हो. ठीक है, इट इज चीपर टू मेक चेंजेस व्हेन डिजाइन इज ऑन द पेपर रादर देन एट अ टाइम ऑफ कन्वर्जन. तो ये बहुत ज्यादा सिस्टमैटिक नहीं हो. दीज आर द डिफरेंसेस. सो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए कोडिंग, इट विल बी डिस्कस्ड इन टू नेक्स्ट लेक्चर. और इस समय आप सभी लोग अटेंडेंस लिख दीजिए. सभी कैलेंडर तक गई. हार्दिक तिवारी क्या लिखे हुए हैं? तो गलती से लगे थे. हाँ, थोड़ा सा ध्यान रखिए. ठीक है, I'm going to end this class. थोड़ी सी मेरी बैक टू बैक क्लास लेंगे.